अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बार बार इस मौजू पर बोलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि माशरा जिस दिशा में जा रहा है यकीनन सोचने के काबिल है। अब हर कोई मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है, किसी तरह मजहबी पोलराइजेशन हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आज कानपुर में जुमा नमाज के बाद हुए फसाद में कई जख्मी हुए हैं तो कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया है। पथराव में पुलिस भी जख्मी होने की इत्तला हासिल हुई है। अब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी करने से फिरका परसबाज नहीं आ रहे। आज औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने की मांग फिर से दोहराई गई है। संभाजी नगर रखने का मामला आगे बढ़कर फिर आ गया है। वैसे शहर गांव के नाम बदलने की तहरीक हिंदुत्ववादियों की जानिब से पहले से ही चलाई जा रही है। औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग भी पुरानी है, लिहाजा अब राज ठाकरे की मंशा को भी किसी तरह अपना वजूद बचाना है तो आसान तरीका यही कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो, मुसलमानों को नीचा दिखाने की तहरीक चलाओ, गांव शहर के नाम के साथ इन तौहीन आमोज अल्फाजों से नवाजना शुरू करो, मकबूलियत अपने आप मिलना शुरू हो जाती है। लिहाजा आज हिंदुत्ववादियों की जानब से टीपू सुल्तान की मस्जिद आला में जाकर पूजा करने का ऐलान सिरंगपट्टन में किया गया। पिछले कुछ महीनों में पूरे मुल्क की सतह पर सिवाय नफरत फैलाने के कुछ और नजर नहीं आ रहा। सिरंगपट्टन में दफा 144 लगा दी गई है कल पूजा करने का, हिंदू जागरण मंच ने ऐलान किया हुआ। पिछले कुछ महीनों में पूरे मुल्क की सतह पर सिवाय नफरत फैलाने के कुछ और नजर नहीं आ रहा। अब भाजपा भी पूरी कुव्वत के साथ मुसलमानों के खिलाफ तहरीक चलाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। कुछ मुसलमानों में अजीब भी लोग हैं, वो खुद भाजपा में जाकर अपना सियासी रसूख बरकरार रखना चाहते हैं या फिर अपनी जान बचाना चाहते हैं, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जो कई सालों से भाजपा में था उसकी भी विदाई हो गई है, जिससे अब कोई मुस्लिम सांसद अब भाजपा में नहीं रहा। दरअसल इस पार्टी में मुसलमानों को जाना ही गलत है, क्योंकि जब इनका मकसद ही मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैलाकर सियासी मुफाद हासिल करना है, वहां जाने की सोचना भी हिमाकत ही कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह संगियों ने शिद्दत इख्तियार की हुई है तो भाजपा में जाने की ख्वाहिश रखने वाले भी काफी है, लेकिन भाजपा क्यों कर मुसलमानों को लेगी ये भी सवाल उतना ही अहम है। खैर, पूरी दुनिया में मुसलमानों पर हो रही जाति पर तस्करा जारी है। अमेरिका की दी जेनोसाइड वॉच ने इससे पहले भी मुसलमानों के कत्लेआम का खौफ जाहिर करते हुए कहा है कि भारत में मोदी हुकूमत मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहती है। इस पर कई आलमी सतह पर भी मुजाकरे किए जा रहे हैं। भारत में भी समाजवादी पार्टी से लेकर इनकी दिगर भाजपाई छोड़कर दिगर पार्टियां समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी मुसलमानों पर हो रहे जुल्म ज्यादती की तारीख किस तरह रकम की जा रही है इस पर बारहा तस्करा किया है। दिगर सियासी पार्टियां भी रोजाना हो रहे हिंदू मुस्लिम तमाशे पर तस्करा करते हुए मस्जिद, मदरसे, दरगाहों, बुजुर्गों के आस्थाने पर भगवे परचम लहराना भारत की तहजीब नहीं है का। लेकिन एक बात इसी दरमियान तवज्जो के काबिल है कि क्या जिस कौम पर तमाम मुसीबतें, मुश्किलें, आजमाइश आ रही है या आने वाली है कितनी फिक्रमंद है? क्या इनकी जिंदगी जीने के तरीके में कुछ तो फर्क नजर आ रहा है? इनके लाखों की शादियां, इनके बिरयानियां, इनके कबाब, इनके वलीमों में किसी तरह का फर्क नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि इस कौम को मालूम ही नहीं कि इनके साथ क्या होने वाला है, जबकि दुनिया भर में मुसलमानों पर आने वाले खतरात हालात पर तस्करे किए जा रहे हैं। यहां तक शादियों में हो रही बेहुरमतियां और नाच गाना, इन तमाम को देखते हुए ऐसा लगता है कि क्या वाकई इस कौम को बड़ा नुकसान होना लाजिम है? क्योंकि जब इन्हें किसी तरह की परवाह नहीं है और रोजाना और लापरवाह होते मुसलमानों को देखा जा रहा, कहीं पर भी किसी तरह की परेशानी या बैठकर हालात पर तस्करा देखा नहीं जा रहा। अब इसे क्या कहा जाए? रोजाना मुस्लिम समाज को किसी न किसी तरह से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल बेपरवाह और बेहिसी की इंतहा ही इस समाज में देखी जा रही है। बेलगाम जैसे छोटे शहर में भी अब शाही मस्जिद बापट गली की जो है उसे लेकर भाजपाइयों ने आने वाले दिनों में इशारा दिया है, लेकिन क्या कोई रद्द अमल इस समाज में नजर आया? रोजाना आपको किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में डीजे के साथ शादियां, फिल्मी अंदाज में खवातीन का सजना सवरना, बेपर्दगी के साथ अपने घरों की इज्जतों को सरे राख खुद उछालना आपको इसी समाज में देखने को मिलेगा। किसी मोहल्ले में डीजे पर नाच गाना करते नौजवान देखे भी जाए तो किसी जमात के जिम्मेदारान में इतनी हिम्मत नहीं होती कि इसे रोक दिया जाए। झूठ, फरेब, धोखा किसी समाज में सबसे ज्यादा है तो वो मुस्लिम समाज में है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। तारीख में इतनी ज्यादती के बाद भी इतना सुकून, इतनी ऐश परस्ती में शायद किसी समाज को देखा नहीं होगा। अब तो फिरका परस्तों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेखौफ, बेझिझक गुस्ताखी किए जा रहे हैं, लेकिन अपने आप को आशिके रसूल बोलने वालों में महज लिबास ही बचा हुआ है। आखिर क्या क्या इस माशरे के खिदमत गिनाए जाए? पूरी कौम नस्ल कुशी के कगार पर है, लेकिन इनके पेशानी पर जरा बराबर भी शिखर नजर नहीं आती। दीनी सियासी रहनुमाओं पर तो क्या कहा जाए,
क्या नबी की शान में गुस्ताखी के बाद पूरा माशरा इस तरह खामोश है जैसे कुछ हुआ ही नहीं? भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो नबी की शान में एक टीवी डिबेट में जो गुस्ताखी की है अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता, क्या क्या नहीं देखने को मिल रहा। अब बुजुर्गों के आस्थानों के नीचे भी मंदिर होने की बात कही जा रही है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी निशाने पर आ चुकी है। कहाँ है मुहिब्बान औलिया? क्या महज मोहब्बत का दावा करने से तमाम जिम्मेदारियों से बरी हो जाएंगे? कवालियों के प्रोग्रामात से आपकी बख्शिश हो जाएगी और जो वहां पर रुपये उड़ाए जाते हैं उससे क्या आपके मर्तबे बुलंद हो जाएंगे? लाखों के इज्तिमात वाले नबी की शान में गुस्ताखी हो रही हो और हम कवाली लंगर इज्तिमात का एहतमाम करते रहे। ईमान बनाने की बात तो ठीक है मगर क्या जुल्म का एहसास ही ना हो इसे क्या कहा जाए? कईयों की उम्र गुजर गई आखिर हमारा ईमान क्यों नहीं बन रहा? मतलब हमने दीन को भी अपने मिजाज की तरह ढाल लिया है। टीपू सुल्तान सभी को चाहिए लेकिन अपने घर में पैदा ना हो। कब तक यूं ही अपनी जानों को बचाते रहेंगे? बिना किसी हराज के दीनी जिम्मेदारियां निभाने की आदत हमें पड़ी हुई है। इससे पहले ना कयामत तक बिना कुर्बानी के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लिहाजा मुनाफिकत के दायरों में इत्मीनान से जिंदगी गुजारते हुए एक दूसरे पर ताना कसते हुए एक दूसरे को काफिर ठहराते हुए आज भी इन्हीं फितनों में मुसलमान मुलव्विस नजर आ रहा है। आज के मौजू का मकसद ही यही है कि दुनिया भर में और मुल्क के मुख्तलिफ तंजीमें इदारों की जानिब से मुसलमानों पर हो रही ज्यादती का तस्करा किया जा रहा है लेकिन जिस कौम के सर पर नस्लकशी की तलवार लटक रही है इसे किसी बात की फिक्र नहीं है। एक और गुजारिश के फिजूल की बातें फिजूल के जुमलों से बाज आए क्योंकि जुमले कहने में बहुत आसानी है जमीनी सच्चाई अलग है। क्या गुजरात जैसी या म्यांमार जैसी नस्लकशी हमने नहीं देखी? फिर ये कहना कि मुसलमानों ने बदर हुनैन करबला देखा है हमें क्या कौन मारेगा? यकीनन एक कौम जंगजू कौम थी पर अब दुनिया की मोहब्बत ने इसे बेहिस बेगारत बना दिया है। हालात आने तो देखेंगे कि बात कहना हिमाकत होगी। क्या आज भी फसादात में सैकड़ों नौजवानों को जेल में ठोसा नहीं जा रहा है? क्या कर पा रहे हैं? लिहाजा मुल्क के दस्तूर के तहत आवाज उठाने की कोशिश करें। जो काम करना है उसे करने की बजाय इस तरह अय्याशियों में मुब्तला होना गोया कत्लगाह की तरफ चलने के बराबर है। आने वाली नस्ल के बारे में तो सोचो, आज भी वक्त है। मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद कायम करो। फिजूल की सियासी बहस और सियासी पार्टियों के पीछे अपना वक्त बर्बाद न करो क्योंकि हमने तमाम हमारा वकार हमारा मर्तबा हम खो चुके हैं। सिर्फ 2 साल तक इत्तेहाद पर काम किया जाए, छोटे छोटे मसाइल को पसे पुश्त डालकर महज अल्लाह और उसके रसूल की खातिर एक हो जाए। जिंदगी जीने का तरीका बदलना होगा। याद रखो, तुम्हारी लाशों पर रोने वाला कोई नहीं होगा अगर आज भी इसकी अय्याशी की जिंदगी में एक कौम मुलव्विस रहेगी तो। अल्लामा इकबाल ने कहा कि वतन की फिक्र करे नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमान। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दोनों जहां के बना। असलामुअलैकुम, आज हमारे नामदार की बेटी की जामा सेंटर उम्मीद थी और यहाँ पर इफ्तिखार के लिए आए थे और बेलगाम के लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि यहाँ बेलगाम के अंदर दरबार अली में हिजामा सेंटर ओपन हुआ है। आप इसे जानते हैं हिजामा सुन्नत भी है और इलाज भी, और मुझे उम्मीद है कि बेलगाम के लोग इस हिजामा सेंटर से बहुत मुस्तफ़ होंगे और मैं फैजानी नामदार से भी उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी खदमात अंजाम देंगे। बेलगाम के शहर आगाज हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ पूरे हमारे जितने भी NGOs मोहल्ला और ये माते और जो आए थे मेरे साथीबाब उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी दावत पर आकर बैठ कहा। अस्सलामुअलैकुम, बेलगाम के सभी शहरियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हिजामा की तरफ नौजवान हो बुज़ुर्ग हो अब एक दौर निकल पड़ा है कि हिजामा से शिफा मिलती है जो नबी करीम की सुन्नत है, तो सुन्नत भी अदा होगी और कई बीमारियों से शिफा भी होगी। ये यकीन पालकर आप दरबार गली में मौजूद भौड़ी क्वेयर नाम से जो हिजामा सेंटर शुरू हुआ है उसका पुरजोर फ़ायदा उठाते हुए अपने तकलीफात से दूर हो जाए और यकीन रखें ये सुन्नत है तो बेशक इससे फैज़ हासिल होगा। मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ और
फैजान इनामदार जो आसिम इनामदार के बेटे हैं, इन्होंने इस फील्ड में पहल किया है। आपके सामने मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर साहब जो हिजामा की लाइन से बहुत खिदमत देते आ रहे हैं, तो आप सभी लोग इसका फ़ायदा उठाते हुए इस क्लिनिक को अपनी खिदमत का मौका अता करें। आज हमारे फैजान इनामदार जो है बॉडी क्योर जो है हिजामा सेंटर ओपनिंग कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हिजामा करवाना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप जानते हैं कि सुन्नत में अजमत है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सारी बीमारियों से शिफा मिलती है। तो आपसे अर्ज है कि इसका आप इस्तेफादा हासिल करें। अल्लाह करीम हम सबको हर तरह की बीमारी से महफूज करता है।